नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया शुभारंभ। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा कलेक्ट्रेट बाराबंकी में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, जिलाधिकारी अवनीश कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद बाराबंकी में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाए जाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक का शुभारंभ किया गया। आम जनमानस को यातायात के नियमों संकेतों के बारे में जानकारी दी गई एवं यातायात नियमों के पालन हेतु शपथ ली गई। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट बाराबंकी से सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु निकाली जा रही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों द्वारा जागरूकता रैली में प्रतिभाग कर आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करने, वाहन पर निर्धारित संख्या से अधिक सवारी न बैठने, निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कदापि न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने तथा अन्य लोगों को भी इनका पालन करने हेतु प्रोत्साहित करने की अपील की गई। यौम सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी पोस्टर, स्टीकर, हैंडबिल, यौम पंपलेट का जनमानस में वितरण किया गया। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे तथा पीछे बैठे व्यक्ति को भी अवश्य पहनाएंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद सदैव तत्पर रहेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों को पालन करने हेतु प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।